तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका वीपीएन न्यूज़ के अंदर। मैं नुमान कुरैशी और आज एक बहुत दिलचस्प रिपोर्ट लाया हूं आपके लिए। आज रिपब्लिक डे है और रिपब्लिक डे के दिन जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिखा गया था, कॉन्स्टिट्यूशन बना था। आज आप देख सकते हैं इस वीडियो के अंदर कैसा किसान लोग अपने हक़ के लिए लड़ाई कर रहे हैं, अपने हक़ के लिए आंदोलन कर रहे हैं और लाल किले के तरफ वो बढ़ रहे हैं। लेकिन पुलिस जो है और प्रशासन जो है, प्रशासन ने पुलिस को तैनात किया है और पुलिस जो है इनको रोक रही है कई तरीके से। वीडियोस में आप देख सकते हैं कि कैसा किसान लोग जो है लाल किले की तरफ बढ़ रहे हैं अपना ट्रैक्टर लेके। पुलिस ने इनके ऊपर लाठीचार्ज भी किया, पुलिस ने यहाँ पे आंसू गैस भी छोड़े, पुलिस ने कई लोगों को घायल भी किया इसके अंदर। देखिए आंदोलन करना जायज़ है लेकिन आंदोलन के अंदर वायलेंस करना ये जायज़ नहीं है, ठीक है। इसके अंदर जो है पुलिस ने लाठीचार्ज किया, पुलिस ने लाठीचार्ज इसके लिए किया क्योंकि ये जो है किसान अपने आंदोलन को प्रदर्शित करने के लिए जो है लाल किले की तरफ बढ़ रहे थे, ताकि लाल किले की तरफ ये लोग अपना जो झंडा है, जो किसान लोग का झंडा है वो लहरा सके। और किसान लोग अपनी मांग के लिए तकरीबन 2 महीने से जुलझ रहे हैं, सरकार से अपील कर रहे हैं कि सरकार जो है अपना ये फैसला वापस ले और इनको इनका हक जो है मिलना चाहिए। पर सरकार जो है टस से मस नहीं हो रही है। हमारी मोदी जी जो है उनको बहुत मज़ा आता है जब लोगों के ऊपर ये सब चीज़ें जो वो लागू करते हैं, जैसे कि नोटबंदी। नोटबंदी के अंदर भी यही हुआ, बहुत सारे लोग परेशान हुए, बहुत सारे लोग मर गए, बहुत सारे लोग जो है कई तरह की तकलीफ़ें झेले, उनके काम धंधे ठप हो गए। उसके बाद उन्होंने जो GST लागू किया उसके अंदर भी काफ़ी कारोबार बंद हो गए, जो स्मॉल स्केल्स के ऊपर धंधा करते थे वो लोग के धंधे भी ठप हो गए। प्रधानमंत्री मोदी जी एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं वाहिद, जो आज तक के कभी ऐसा कोई प्रधानमंत्री आपने देखा नहीं होगा कि वो रातों रात अपने फैसले ले लेते हैं, रातों रात अपने फैसले ले लेते हैं और उसके ऊपर कोई भी IAS IPS ऑफिसर्स जो है, जो डिस्कशन किया जाता है, जो कमेटी में बैठक बुलाई जाती है, वो कोई बैठक नहीं बुलाते हैं और सीधा सीधा जो है कानून लागू कर देते हैं और पब्लिक के ऊपर, आम जनता के ऊपर थोप देते हैं ये कानून। इसी वजह से काफ़ी लोगों का नुकसान हुआ है। NRC में आपने देखा होगा CA के अंदर इन्होंने काफ़ी लोगों को बिठा दिया सड़क के ऊपर, कोरोना आने की वजह से। कोरोना के अंदर वो लोग उड़ गए, शाहीन बाग को ख़त्म कर दिया गया क्योंकि कोरोना जैसा महामारी आ गई थी। कोरोना के अंदर आप देखेंगे कोई प्रकार की मोदी जी ने जो है इंडिया के अंदर किसी को भी हेल्प नहीं करी, गवर्नमेंट की तरफ से कोई हेल्प नहीं आई कोई भी स्टेट के अंदर लोगों को, डॉक्टर्स को, उनके हॉस्पिटल्स को दवाइयाँ नहीं मिली, PPE किट्स नहीं मिले, जो उनको पहनना था PPE किट्स मौजूद नहीं थे। तो ये सारी परेशानियाँ देखी गई हैं मोदी जी के राज में। अब जो है किसान लोग परेशान हैं, कोरोना का काल अभी ख़त्म नहीं हुआ है, कोरोना का काल चालू है, फिर भी आप देख सकते हैं किस तरह से किसान लोग जूझ रहे हैं और किसानों पर लाठियाँ बरसाई जा रही हैं। किसान लोग भी मजबूर हैं, किसान लोग जो है अपनी जो ज़मीन है, अपना जो हक है, अपना जो ये लोग को हक मिलना चाहिए वो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। जिस तरीके से मुसलमान लोग अपने देश के लिए लड़ रहे थे जो इन्होंने नागरिकता कानून लागू किया था, तो मुसलमान लोग लड़ रहे थे अपने हक के लिए, अपने हक के लिए उन्होंने बैठ गए थे रास्ते के ऊपर क्योंकि उनको जो है डर था कि उनको कहीं ना कहीं देश से निकाल दिया जाएगा और उनको, और वो नागरिक है इस देश के लेकिन उनको नागरिकता नहीं मिलेगी। अब किसानों के साथ भी ऐसी किया जा रहा है। अडानी अंबानी को जो है इसके अंदर ऐसा कानून आया है कि अडानी और अंबानी इसमें पूरा पूरा फ़ायदा उठाएंगे और किसानों को इसमें कुछ भी नहीं मिलेगा।
तो किसान लोग इसके अंदर आंदोलन कर रहे हैं, देख सकते हैं आप वीडियो के अंदर, वीडियो काफ़ी आपको चौंकाने वाले वीडियो है, काफ़ी चौंका देंगे आपको कि रिपब्लिक डे के दिन, इतने बड़े दिन के दिन आपको ये सब देखने मिल रहा है। हालांकि रिपब्लिक डे के अंदर लोग जो है छुट्टी का दिन होता है, काफ़ी लोग जो है खुशियां मनाते हैं, फ्लैग होस्टिंग की जाती है और एक तरह का बहुत अच्छा माहौल होता है, लेकिन ये किसान लोग के लिए मोदी जी ने जो है माहौल एकदम ख़राब कर दिया है। और किसान लोग जो है अभी इस तरीके से जो वायलेंस पे उतर आए हैं, ये कहीं ना कहीं एक तरह का गुस्सा होता है जो अंदर होता है, और ये गुस्सा आज फूट गया रिपब्लिक डे के दिन। और इन्होंने पूरा बंदोबस्त किया हुआ था पुलिस और प्रशासन ने कि इनको किले के अंदर, लाल किले के अंदर घुसने नहीं दिया जाए, और बाकायदा आप देख सकते हैं बैरिगेट्स लगे हुए थे, आंसू गैस छोड़ी गई, फिर डंडे भी इनके ऊपर बरसाए गए, लेकिन किसान लोग जो है पीछे नहीं हटे, वो बराबर गए और लाल किले के ऊपर जो है झंडा उन लोग ने लगा दिया। अब लाल किले के अंदर नहीं लगाया, लाल किले के जो बाहर एक खंभा होता है वहाँ झंडा इन लोग ने लहरा दिया। फिलहाल जो है अभी किसान लोग फिर भी अभी भी अपने हक की मांग कर रहे हैं सरकार से, लेकिन सरकार जो है टस से मस नहीं हो रही है। फिलहाल जो है आज़ाद मैदान में भी अभी किसान लोग आए थे दूर दूर से, उसमें महिला भी थी, बच्चे भी थे, औरतें भी थे, और हर जगह ये जो है प्रोटेस्ट हो रहा है। अब ये जो प्रोटेस्ट है ये जानबूझ के मोदी जी कराना चाहते हैं, ताकि जो लोगों का रुझान है वो जीडीपी के तरफ या सरकार की तरफ, सरकार कोई काम नहीं कर रही उसकी तरफ ना जाके इस तरफ मुड़ जाए, क्योंकि देश की जो हालत है वो बहुत ख़राब और बद से बदतर होती चली जा रही है। ठीक है, कई बैंक्स जो है मर्ज हो गए और इसके अंदर कई कंपनीज जो है वो बंद हो गई, कई जो टेक्सटाइल मिल्स है वो बंद हो गए, कारोबार जो है बंद हो गए, लोग सड़कों पे आ गए, लोग बेघर हो गए। लेकिन मोदी जी को इससे क्या, मोदी जी को तो अपनी सरकार चलाने से मतलब है, वो एक के बाद एक कानून लाते जा रहे हैं जिसके अंदर आम लोगों को जो है वो तकलीफ़ होती चली जा रही है। इस ऐसा ही एक कानून जो है किसान लोग के लिए भी लाए हैं ये, जिस जो नागवार साबित हुआ है, इसके लिए किसान लोग अपने हक के लिए अभी तक के सिंधु बॉर्डर के ऊपर बैठे हुए हैं। और दिल्ली के अंदर किसान लोग सिंधु बॉर्डर पे जो बैठे हुए हैं, और दिल्ली के अंदर जो बैठे हुए हैं वो हरियाणा और दूर दूर से, समझे, पंजाब से, हरियाणा से, दिल्ली से, तो कहाँ कहाँ से किसान लोग आके वहाँ पे डेरा डाल दिए हैं। जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होगी वो बैठे रहेंगे। तकरीबन मैं समझता हूँ कि 3 लाख किसान जो है उन लोगों ने आत्महत्या कर ली है, लेकिन मोदी जी को अभी तक के कुछ फ़र्क नहीं पड़ा है, इस सरकार को कुछ फ़र्क नहीं पड़ा है, सरकार जो है टस्से मस नहीं हो रही है, सरकार जो है इनके जो कर्ज है वो माफ़ नहीं कर रही है, और ये प्रदर्शन मैं समझता हूँ जारी रहेगा जब तक के इनकी मांगे पूरी नहीं होगी। और ये जो आज जो इनका गुस्सा जो फूटा है, ये कहीं ना कहीं सरकार की निकम्मी सरकार की, मैं बोलूँगा निकम्मी सरकार की वजह से हुआ है, जो आज जो किसान जो है, जो अन्नदाता है, उसके साथ ये दुर्व्यवहार हो रहा है। आगे की भी खबर आपको देते रहेंगे, बने रहिए बीपीएन न्यूज़ के साथ। नुमान कुरैशी, मुंबई।